खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और गरीबी, इसमें से क्या चाहे, तो भ्रष्टाचार रहेगा तो गरीबी नहीं मिट सकती, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो गरीबी नहीं रह सकती। ये दोनों बातें ध्यान में रखना। इससे भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कमल का बटन दबाने का काम करना है। हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य उज्जवल हो, अगर यह आप चाहते हैं तो कमल के फूल की बटन दबाने का काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आज पूरे प्रदेश के अंदर सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया है। आप बताओ, ये गठबंधन करने वाले एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त कैसे हो सकते हैं? और मैं कहा करता हूं श्री अखिलेश यादव, अरे भैया तुम जब अपने पिताजी के नहीं हुए हो, अपने चाचा के नहीं हुए हो, तो नकली बुआ जी के होगो क्या, हो सकते हैं क्या? और श्री मुलायम सिंह यादव जी जानते हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कहा, उन्होंने मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कहा, उन्होंने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा है। इसलिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हो, जो मुलायम सिंह जी कह चुके, अब क्या कहने मरे जाता हूं, जो संसद में कह करके आए, जो वहां के दस्तावेजों में दर्ज हो गया, वो कभी नहीं हटेगा, वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मैनपुरी से कमल खिला करके मोदी जी को देना चाहते हैं, और देने की मैं आपको जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं। आपको कहने के लिए आया हूं, आप भी इस बात से सहमत होंगे मेरे समझ से, इस बार 2019 में 2014 से तेज लहर नहीं चल रही, इस बार आधी नहीं चल रही, इस बार 2019 में मोदी जी की सुनामी चल रही है। और पूरे प्रदेश में ये खबर है, मुझे भी ये खबर है कि इस बार मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है, सही है कि नहीं? बता दो, दोनों हाथ उठा के, सही बात है, मैनपुरी में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब बूथ पर कब्जा नहीं होगा, अब वोट डालने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, और जब गुंडागर्दी नहीं होगी, बूथ पर कब्जा नहीं होगा, और आप वोट डालने से कोई रोक नहीं पाएगा, तो कमल खिलने से फिर कौन रोक सकता है? पत्रे ने तो किस तरह से लड़ाई लड़ी है, इसमें नहीं पूरी दुनिया में, अगर आज भारत की चमक और धमक है, गर्जना है, तो आपकी वजह से, आपने मोदी जी के हाथ को मजबूत किया है। अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी अब कश्मीर में घुस आए, तो हमारे सेना के बहादुर जवान उनको यहां पर भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं, और वहां प्रशिक्षण अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो 1,000 किलो के बम पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमारे सेना के बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री में गिरा करके वहां पर भी जिंदा नहीं छोड़ने का काम किया। हमारी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, और जिस देश की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना हो, उसको कोई लुच्छे लफंगे आकर के बम फेंक करके चले जाए, हमारे जवानों को अपना खून बहाना पड़े। अब मोदी हैं, इसलिए अगर कोई हमारे वीर जवानों का, हमारे देश के नागरिकों का खून बहाएगा, तो ब्याज के साथ बदला चुकाया जाएगा। अब वह समय आया है जब गोली का जवाब गोला से देने का शुरू हो गया है। अगर मोदी जी नहीं होते, सपा बसपा के बैसाखी वाली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार होती, तो क्या सेना के बलिदान का, भारत की सेना को बदला लेने की छूट मिल जाती क्या? या भारत के 56 इंच के सीने वाले मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए यह दिन आपको देखने को मिला कि आज देश के 130 करोड़ लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा, घबराए हुए हैं। मैं आप सब लोगों को आवाहन करना चाहता हूं, मैं जानता भी हूं पूरे प्रदेश की, पूरे देश की और मैनपुरी की जनता मोदी जी के साथ है ना, है ना, पक्का हाथ उठा बता दो, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी को प्रधान, कोई कहता अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई कहता मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, कोई कहता राहुल गांधी, कोई कहते हैं ममता बनेंगी, और कोई कहता है कि चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, कोई कहता शरद पवार बनेंगे। इतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा पता नहीं है, जैसे किसी बारात में सारे बाराती तो तैयार हो गए, लेकिन दूल्हे का था पता नहीं, बिना दूल्हे की बारात, सारे विरोधी मिलकर के केवल
पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि जातिवाद के आधार पर जो जाति समीकरण बना करके आए थे ना मोदी जी को रोकने, उनका जाति समीकरण मोदी समीकरण के आगे फेल हो गया।